आज कार्तिक पूर्णिमा मनाया जा रहा है, तो वहीं कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए गंगा घाटों पर अहले सुबह से ही उमड़े। बता दें आपको कि पटना के गंगा घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर मेले सा नजारा है। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर गंगा घाट की ओर से जाने वाली कई मुख्य सड़कों पर बैरिकेडिंग भी की गई है। यातायात के लिए वैकल्पिक रास्ते तय किए गए हैं, तो वहीं मौके पर पुलिस के जवानों की तैनाती भी की गई है। आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान, दीपदान, पूजा, आरती, हवन और दान का बहुत महत्व है। सुबह में कड़ाके की ठंड के बावजूद भी गंगा में डुबकी लगाते श्रद्धालुओं की आस्था भी देखते बन रही। वहीं ये बात किसी से नहीं छिपी कि अभी कोरोना संक्रमण तेजी से और भी फैल रहा है। इसके बावजूद कोरोना वायरस पर आस्था भारी पड़ती दिख रही है। एक तो सुबह से ही घाटों पर काफी भीड़ है, तो ऊपर से प्रशासनिक स्तर पर कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं देखी गई है। पानी में तेजी से कोरोना संक्रमण फैलता है, इसके बावजूद ना तो श्रद्धालु गंभीर है और ना ही प्रशासन। वहीं आपको बता दें कि पुराणों के मुताबिक कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया। ऐसा माना जाता है कि त्रिपुरासुर के वध होने की खुशी में भी देवता स्वर्ग से उतरकर काशी में दीपावली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत महत्व है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है।